डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले छात्र कड़ी मेहनत करते हैं। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स जैसे टफ सब्जेक्ट की दिन रात तैयारी करते हैं। इसके बाद अगर छात्रों का पता चले कि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन का रास्ता खोलने वाली सबसे बड़ी परीक्षा में धांधली हुई है या गड़बड़ी हुई है तो पूरे एग्जाम सिस्टम से भरोसा उठ जाता है। नीट परीक्षा के साथ ही ऐसा ही हो रहा है। धांधली के आरोपों के साथ छात्र सड़क पर आ गए हैं। प्रदर्शन का दायरा हर दिन वो बदलते रहते हैं, हर दिन दायरा बढ़ता रहता है। रिजल्ट की जांच और परीक्षा रद्द करने की मांग हो रही है। तो सवाल ये उठने लगा है कि नीट कितना फिट। सबसे बढ़िया ट्रांसपेरेंसी, इन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं बताया कैसे क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कुछ भी नहीं, उसमें भी जवाब नहीं है इनके पास। हम अपने घर नहीं आए ना फेस्टिवल्स पर ना त्यौहार पर, हम वहीं पर रहे। चार चार घंटे की हमने नींद ली थी, उसके बाद ये रिजल्ट आता है तो ये तो सही नहीं है ना। बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। एक ही लाइन में बच्चे बैठे हैं, उनको 720। सड़क पर छात्र, भविष्य का सवाल। परीक्षा में धांधली को लेकर शहर शहर गुस्से का उबाल। तस्वीरें देखिए, पटना, भोपाल, तिरुअनंतपुरम, कोटा, दिल्ली, देश भर के तमाम शहरों में नीट परीक्षा में धांधली के मुद्दे पर छात्र सड़कों पर हैं। प्रदर्शन कर रहे तमाम छात्रों की एक ही मांग है कि 5 मई को हुई नीट की परीक्षा को रद्द किया जाए, दोबारा एग्जाम कराया जाए। हम लोगों ने भी एग्जाम्स दिए थे साल साल और मेहनत करी थी, इतना बड़ा स्कैम करके एनटीए से 1500 बच्चों का एग्जाम कराए। हम लोगों का क्या, हम लोगों की मम्मी पापा इतना हार्डवर्क करते, हम लोग इतने मिडिल क्लास फैमिली से आते, हमें पता भी नहीं था कि ग्रेस मार्क नाम की कोई चीज़ होती है। हम भी कोर्ट में केस करते, हम भी रीनीट का मौका पा सकते थे। हमारी मांग है कि जिन बच्चों का टाइम वेस्ट हुआ है उनके बारे में जांच की जाए, उन्हें भी रीनीट का मौका मिला जाए, क्योंकि बहुत लोगों ने केस फाइल नहीं किया था। गांव के लोगों को वैसे ही नॉलेज होता नहीं है, कोर्ट कचहरी के चक्करों से सब लोग बचते हैं, इसीलिए हम लोग भी बोल नहीं पाए कि हमारा टाइम वेस्ट हुआ है। अब आप उन बच्चों को मौका दे रहे हैं जिन्होंने कोर्ट में केस किया, तो उन बच्चों को क्यों नहीं जो बेचारे कोर्ट में केस नहीं कर पाए? क्योंकि हमारे यहाँ हर बच्चे के पास वो रिसोर्सेज नहीं होते कि वो अपने एग्जाम के लिए कोर्ट में केस करे कि उसका टाइम वेस्ट हो गया है। सबके पास लीगल एडवाइजर नहीं होते हैं, सभी के पास इतना फाइनेंस नहीं होता है कि हम कोर्ट में केस कर सकें। इसमें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, एक साल के अंदर इतना इन्फ्लेशन हो ही नहीं सकता। जैसे मेरे मार्क्स आए हैं 670 में, मेरी रैंक एक्सपेक्टेड थी पिछले साल के ट्रेंड्स को देख के 3000 के अराउंड, लेकिन इस बार आई 15000 रैंक, जो इतनी हाई कभी एक्सपेक्टेड ही नहीं थी, किसी ने सोची नहीं थी कि 5 times इन्फ्लेशन हो जाएगा। स्कैम एजेंसी है जो बच्चों के साथ इसका स्कैम कर रही है। मेरे 650 मार्क्स है, पिछले साल इसी रैंक पे यही रैंक 6,000 से 7,000 रैंक बन रही थी, इस साल मेरी रैंक 29,000 है। अब 29,000 पे तो मेरे को कोई कॉलेज ही नहीं मिलेगा जहाँ पिछले साल टॉप कॉलेज मिल रहा था। मेरी प्रेडिक्शन थी कि मेरी रैंक ज़्यादा से ज़्यादा 12,000 से 16,000 हो सकती है, ज़्यादा 18,000 हो सकती है या 20,000 हो सकती है, बट जो मेरी रैंक आई है वो 49,000 आई है। इतना रैंक इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है ये, इसमें हमें कोई बेस्ट GMC छोड़ो, हमें बेकार GMC भी नहीं मिलेगा इस रैंक पर। पहले दिन ही न्यूज़ आ गई कि नीट का एग्ज़ाम जो है वो पहले ही आउट हो चुका है, पर उसके बाद भी किसी भी गवर्नमेंटल बॉडी ने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। रिजल्ट आ गया, रिजल्ट उसी दिन आया जिस दिन इलेक्शन था। नीट का एग्ज़ाम NTA ने काफ़ी अव्यवस्थित ढंग से कराया, फेयर तरीके से नहीं कराया। इसमें बिना आधार के ग्रेस मार्किंग दी गई, इसमें पेपर लीक की जैसी घटना हुई, उसका तो एग्ज़ाम करवा दे रहे हैं, बाकी जो पेपर लीक हुआ है जिन बच्चों ने चीट किया है उनका क्या होगा? वो तो मतलब जो बच्चों ने फेयर तरीके से एग्ज़ाम दिया है उनके साथ तो अनजस्टिस हो जाएगा, जो चीट करके जिन्होंने चीट किया है वो तो निकल गए। छात्र किसी भी सूरत में नीट परीक्षा कराने वाली एजेंसी NTA पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। इधर गुरुवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के परीक्षा का पेपर लीक न होने के दावे ने छात्रों का गुस्सा और बढ़ा दिया है। आपको स्पष्ट करूं, देयर इज नो करप्शन।
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस बयान के बाद प्रदर्शन कर रहे छात्रों का पारा चढ़ गया। पटना में छात्रों ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंक कर अपने गुस्से का इजहार किया। छात्रों का साफ कहना है कि वो ग्रेस मार्क्स पाने वाले नीट कैंडिडेट्स की दोबारा परीक्षा कराने के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, बल्कि पूरी परीक्षा ही रद्द होनी चाहिए। छात्र एनटीए को भी खत्म करने की मांग कर रहे हैं। दावा है अगर मांग नहीं मानी गई तो देश भर में प्रदर्शन किया जाएगा। मांग है क्या कि नीट की परीक्षा जो 2024 की हुई है, ये पूर्ण परीक्षा को रद्द करते हुए पुनः परीक्षा ली जाए। ये जो 1563 परीक्षार्थियों को जो ग्रेस अंक देकर पास किया गया था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसका पुनर्परीक्षा होने की बात कही जा रही है। इसके साथ साथ 24 लाख जो बच्चे, उसका क्या होगा, उसकी भी पुनर्परीक्षा हो। आपको लगता है कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन शिक्षा मंत्री जो है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, वो तो कह रहे हैं कि पेपर लीक का कोई प्रमाण, बिहार के आर्थिक अपराध इकाई ने जांच किया, गुजरात पुलिस ने जांच किया, अदर स्टेट में जांचें चल रही है, उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी पकड़े हैं। अभ्यर्थी कह रहे हैं कि मुझे 4 घंटे पहले सॉल्यूशन मिला है, सॉल्व मिला है, इतना कुछ प्रूफ होने के बावजूद भी अब कह रहे हैं कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री का बयान इस बात को साबित करता है कि बड़े से बड़े लोग पेपर लीक में शामिल हैं और कहीं न कहीं मामले को रफा दफा करना चाहते हैं। और आग्रह करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी से कि तीसरी बार आपको गद्दी पर बैठाए हैं तो गारंटी लीजिए कि 24 लाख छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है, जो सरकार अन्याय करना चाहती है, किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे राज्य में राज्यव्यापी आंदोलन होगा और निश्चित रूप से सरकार के समक्ष जो भी चुनौती है, उसका चुनौती का सामना करने के लिए हम लोग तैयार हैं। साफ है कि 4 जून को नीट का रिजल्ट आने के बाद से परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे छात्रों का सब्र अब जवाब दे रहा है। कई नीट परीक्षा का विरोध कर रहे छात्रों के समर्थन में कई स्टूडेंट्स यूनियन मैदान में आ गई हैं। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन यानी आईसा ने नीट परीक्षा के विरोध में 19 और 20 जून को आंदोलन का ऐलान कर दिया है। घोटाले के खिलाफ पूरे देश भर में अभी भी खड़ा है और आने वाले दिनों में हम लोग रीनेट स्क्रैप एनटीए सेव एजुकेशन के साथ पूरे देश भर में कैंपेन चलाएंगे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के बाहर, उसके अंदर। और आने वाले 19-20 को, एक सप्ताह अभियान के बाद 19-20 को हम लोग देश भर में तमाम ऐसे स्टूडेंट मूवमेंट जो आज इसके खिलाफ खड़े हैं, उनको साथ लाते हुए एक बड़े गोलबंदी के साथ अलग अलग शहरों में, अलग अलग यूनिवर्सिटी के बाहर हम इन नीट के छात्रों के साथ खड़े होंगे। नीट परीक्षा देने वाले छात्र और उनके समर्थन में उतरे छात्र संगठनों का रुख साफ है कि मई के महीने में नीट परीक्षा में धांधली हुई है, एनटीए की भूमिका संदिग्ध है। छात्रों के प्रदर्शन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने साफ किया है कि किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होगा। कोई भी कितना बड़े उच्च व्यक्ति हो, अगर कहीं किसी की जिम्मेवारी में गड़बड़ी करने की संज्ञान आएगी, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। विद्यार्थियों के मन में अश्वस्त, मैंने आज विद्यार्थियों को मिला भी, उनके अभिभावकों को भी मिला, मैंने अश्वस्त किया और उनकी जो समस्या है उनके बारे में मैंने उनका एंग्जाइटी क्या है, उनकी कंसर्न क्या है, उसको भी मैंने एनटीए के अंदर भी कोई व्यक्ति इस प्रकार की गड़बड़ी में जिम्मेवार पाया जाता है, उस कोई भी हो उसको स्पेयर नहीं करता। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि केंद्र सरकार परीक्षा को दोबारा आयोजित करने के पक्ष में है या नहीं, जबकि छात्र परीक्षा को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं।